बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, पेज नंबर 15। क्वेश्चन में लिख रहा हूं एक्स प्लस लॉग बेस 10 वन प्लस टू की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 6 बेस 10। अब देखिए बेटा इस इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए सभी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक एक स्टेप पर ध्यान देना सभी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू। ओके बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके अब आप देखिए थोड़ा सा तरीके से करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाला x इस x के पास ले जाएंगे और ये वाला log इस log के पास ले जाएंगे। सबसे पहले तो हम ट्रांसफर करते हैं। ओके अब आप देखिए जब ये वाली टर्म इधर आएगी तो x के पास आएगी तो x माइनस एक्स लॉग 5 बेस 10 इज इक्वल टू, अब बेटा इसको हम उधर ले जाते हैं log 6 के पास, log 6 बेस 10 माइनस log बेस 10 1 प्लस 2 की पावर x। ओके ये वाला स्टेप क्लियर है, एक बार देख लो बेटा। मैंने क्या किया, x को ट्रांसफर कर दिया, log log एक साथ और x x एक साथ। ओके अब आप देखिए यहां से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस log 5 बेस 10। और बेटा इधर देखिए क्या यहां पर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, बेस सेम है देखो और बीच में माइनस साइन है, तो बेटा माइनस किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 10 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। ये वाला स्टेप क्लियर बेटा, 6 अपॉन ये। ओके अब देखिए बेटा मैं इस 1 को लिख रहा हूं, इस 1 को मैं लिख रहा हूं log 10 बेस 10 और log 5 बेस 10 एज इट इज, नो चेंज। बेटा क्या मैं इस 1 को log 10 बेस 10 लिख सकता हूं, अब आप मुझे बताइए ये फिर माइनस आ गया और माइनस कन्वर्ट होता है डिवाइड में, ठीक है। इसके बाद ये एज इट इज नो चेंज, log बेस 10 ये हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। ओके अब इसके बाद मैं यहां इस स्टेप के बाद मैं यहां लिख रहा हूं। ओके अब देखिए x, अब आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है बेटा, log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10, ये बेटा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 2। ओके तो इसको हम ले सकते हैं log 2, log 2 बेस 10 और RHS में नो चेंज, RHS क्या बेटा log बेस 10, log बेस 10, log बेस 10 और 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। ओके अब देखिए क्या मैं इसको इस x को इस नंबर के ऊपर ले जा सकता हूं बेटा, बेटा जब पावर आगे आ सकती तो आगे वाला नंबर पावर पे भी जा सकता है, तो उसको हम लिखेंगे log 2 की पावर x और बेस 10 और यहां log बेस 10 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। अब आप मुझे बताइए क्या मैं log से log को कैंसिल कर सकता हूं, कर सकता हूं, log log कैंसिल हो गया बेटा तो फाइनली क्या बचा, 2 की पावर x बराबर 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। बेटा देखो मैंने log को हटा दिया, log को मैंने रिमूव कर दिया। ओके अब सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके और फिर वो बनेगी 2 की पावर x की क्वाड्रेटिक, उसमें लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वहां से 2 की पावर x की वैल्यू और फिर पावर से कंपेयर, तो वहां से x की वैल्यू। एक बार इसको ट्राई करो बेटा, इसके आगे वाला स्टेप आप करेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके बेटा 2 की पावर x को t कंसीडर कर लिया करो, जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक बने तो सपोज 2 की पावर x t, ओके तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 6, बेटा ये बन गई t की क्वाड्रेटिक। हम इसमें लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला या स्प्लिट,
स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्या होगा बेटा, टी को मैं लिख सकता हूं 3t माइनस 2t, ओके, माइनस 6। अब यहां से t कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस 3 बराबर 0। तो बेटा t की वैल्यू आ गई एक तो माइनस 3 और एक आ गई t की वैल्यू 2। अब मुझे बताइए, इधर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इधर देखें सभी, रुक जाइए सभी, इधर देखो बेटा, t की वैल्यू क्या है, माइनस 3, और वास्तव में t क्या है, 2 की पावर x, बेटा 2 की पावर x बराबर माइनस 3, विच इज नॉट पॉसिबल। कारण क्या है सुनिए, 2 की पावर x जो है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 की पावर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए बेटा। यदि पावर वेरिएबल है, यदि पावर वेरिएबल है तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा 2 की पावर x कभी भी माइनस 3 नहीं हो सकता, तो विच इज नॉट पॉसिबल, इधर लिखे विच इज नॉट पॉसिबल। तो बचेगा क्या बेटा, 2 की पावर x बराबर 2, और 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1, देन कंपेयर, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 1, आंसर बेटा x की वैल्यू है 1। अच्छा एक और बात, जो भी हम x निकालते हैं, हमने आपको कल भी सिखाया था कि जब भी हम x निकालते हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में चेक करो, तो क्या x बराबर 1, क्या x बराबर 1 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार देख ले, 1 रखने पर लॉग डिफाइंड है, बस बिल्कुल सही है, नोट कर ले। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, लॉग 4 प्लस लॉग 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू लॉग x रूट ऑफ 3। बेटा ये लिखा है x रूट ऑफ 3 प्लस 27। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व द इक्वेशन, बेटा मुझे यहां x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए एक एक टर्म को हम सॉल्व करेंगे, देखिए log 4, अच्छा एक और बात, यहां पर बेस कहीं नहीं दिख रहा है देखो, और जब बेस गिवन ना हो तो हमने सिखाया था कंसीडर टू बी 10, ओके, तो यहां पर बेस क्या बेटा 10। तो एक काम करते हैं log 4 एज इट इज, अब देखिए बेटा 1 प्लस 2x, 1 अपॉन 2x, इसको मैं आगे लिख देता हूं log 3 को पीछे, जबकि वो ऐसे ही लिखा हुआ था। अब मैं देखिए मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसको मैं इसके पावर पे चढ़ा दूंगा, क्या मैं ऐसा अरेंज कर सकता हूं, लॉग में प्रॉपर्टी होती है जब पावर आगे आ सकती है तो आगे वाला नंबर पावर पे भी जा सकता है। तो देखिए एलएचएस क्या हो जाएगा बेटा, लॉग 4 प्लस लॉग 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 2x, ओके बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है। अब देखिए log m प्लस log n क्या होगा बेटा, log m n, तो log 4 डॉट 3 की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2x। देखिए बेटा मैंने ये वाला स्टेप लिखा बाय प्रॉपर्टी, प्लस किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, इनटू में, अच्छा ये जो पावर है वो सिर्फ 3 की पावर है, ओके अच्छा RHS को और लिख देता हूं, RHS में अभी नो चेंज। अच्छा एक बार बताइए x रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 बाय x, ओके प्लस 27। अब आप मुझे बताइए ये इसमें नो चेंज एज इट इज, लास्ट में मैं लिख देता हूं इसी चीज को, log 3 की पावर 1 बाय x प्लस 27। अब आप मुझे बताइए यहां भी लॉग है और यहां भी लॉग है, कैंसिल बेटा, लॉग को हम कैंसिल कर सकते हैं यदि बेस सेम है और बीच में इक्वल साइन है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अब बताइए फाइनली क्या बचा बेटा, ये और ये, पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं, बस 4 डॉट 3 की पावर
1 प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 बाय x प्लस 27। बेटा लॉग कैंसिल हो गया, ओके, क्योंकि बेस सेम था, लॉग को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना, ध्यान दीजिए सभी, 4 डॉट बेटा 3 की पावर 1 प्लस 2x को मैं ले सकता हूं, 3 की पावर 1 प्लस 1 बाय 2x को मैं ले सकता हूं, 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 1 बाय 2x। जरा सोचो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं बेटा, वेरी गुड, 4 3 सा क्या होगा बेटा 12, ओके, डॉट 3 की पावर 1 अपॉन 2x, और बेटा RHS में नो चेंज, 3 की पावर 1 बाय x प्लस 27, ओके। अब देखिए 3 की पावर 1 बाय x प्लस 27, अब आप मुझे बताइए क्या मैं इस 3 की पावर 1 बाय 2x को अरेंज कर सकता हूं 3 की पावर 1 बाय x होल स्क्वायर, बेटा पावर रूल, ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बोले वेरी गुड, 3 की पावर 1 बाय x प्लस 27। अब आप मुझे बताइए यहां क्या है बेटा 3 की पावर 1 बाय x और यहां क्या है 3 की पावर 1 बाय x का होल स्क्वायर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक है, यदि ये t है, सपोज ये t है तो ये क्या है t स्क्वायर, ओके, तो लेट स्टार्ट विथ 3 की पावर 1 बाय x इज इक्वल टू t, ओके, तो ये t की क्वाड्रेटिक बन जाएगी बेटा, तो 12t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 27। अब इसको फर्दर सॉल्व, चलो इसके फैक्टर बताओ फटाफट, इसमें लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिट करो जल्दी, 3 की पावर 1 अपॉन 2x को आप 3 की पावर 1 बाय x नहीं 1 बाय 2 लिखेंगे, जरा सोचो, इधर देखो 3 की पावर 1 अपॉन 2x को आप ऐसा लिखेंगे 3 की पावर 1 बाय x होल पावर 1 बाय 2, बोलो, देखो 3 की पावर क्या लिखा है 1 अपॉन 2x, बेटा इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 बाय x इंटू 1 बाय 2, ओके, अब इसको मैं क्या करता हूं अंदर ले जाता हूं और इसको ऊपर ले जाता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं पावर पावर, बेटा पावर पावर क्या होता है पावर इंटू पावर, तो इंटू को मैंने ऐसा कर दिया, ये अल्टीमेटली 1 बाय 2 होगा। अब सुनिए, अब यहां पर ये टी नहीं होगा, इसको टी कंसीडर करेंगे क्योंकि ये मालूम क्या लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 2 मतलब स्क्वायर रूट, तो यदि ये टी है तो बेटा इसको टी मानेंगे, यदि इसको टी मानेंगे तो ये टी स्क्वायर होगा, तो बेटा 12t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 27। अब आप सॉल्व करें इसको फटाफट, अब हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27, बेटा 9 3 27, तो टी की वैल्यू आ गई 9 and 3, बेटा 9 3 27 9 3 12, ओके, अब देखिए अब t के प्लेस पर यहां रखते हैं, तो 3 की पावर 1 बाय x की पावर 1 बाय 2 बराबर t क्या है बेटा 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, जरा सोचो, ओके, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, अब देखिए ये भी पावर है, ये भी पावर है और ये भी पावर है और बेस सेम है, तो 1 अपॉन 2x बराबर 2, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 4, आंसर। बेटा यहां फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, इधर देखें ये वाला स्टेप क्लियर था, अब देखिए 3 की पावर 1 अपॉन 2x को मैं लिखूंगा 3 की पावर 1 बाय x की पावर 1 बाय 2, बेटा ये सीखना है आपको, देखो 1 बाय 2 और 1 बाय x अल्टीमेटली 1 अपॉन 2x, ओके, तो इसको ऐसा अरेंज करेंगे, अब यदि ये t है तो 100% ये t स्क्वायर है, देखिए ये t तो इसका स्क्वायर क्या होगा ये, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का स्क्वायर सिंपल एक नंबर, तो यदि इसको t मानेंगे तो ये t स्क्वायर होगा, तो फाइनली ये, अब बताइए एक तो 9 से सॉल्व कर लिया, अब एक बचा है t बराबर 3, बेटा t बराबर 3 यहां रखो और फिर कंपेयर करो, यहां 3 रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2x,
वन अपॉन टू एक्स बराबर क्या वन, तो बेटा एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू, ये है फाइनल आंसर। तो आंसर है बेटा वन बाय टू एंड वन बाय फोर। बेटा ये वाला स्टेप एक बार मैंने यहां लिखा है, आप इसको एक बार देखें।